डियर स्टूडेंट्स अ वेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव को हम कुछ पर्टिकुलर वे में क्लासीफाई कर सकते हैं द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेट्स दैट आर सेंटर्ड ऑन टास्क दैट कैन बी अचीव्ड विद इन द नेक्स्ट मंथ्स और एट द आउटसेट विद इन वन ईयर यानी कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में हम उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करते हैं जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में या बहुत से बहुत विद इन वन ईयर अचीव करना होता है तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को हम शॉर्ट टर्म नाम देते हैं यानी कि जिनका कंप्लीशन टाइम मैक्सिमम वन ईयर होता है उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में रखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया है टू इंक्रीज द सेल बाई टेन परसेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इट इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्योंकि एक साल के अंदर अंदर टेन परसेंट सेल को इंक्रीज करना है क्योंकि यह टाइम स्पान एक साल का है इसी वजह से इसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है, क्या होते है? कि एक साल से ज्यादा के लिए जिन ऑब्जेक्टिव का टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जाम्पल नया प्रोडक्ट डेवलप करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान को डेवलप किया जाना है या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाना है तो ये सब क्या है दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इनको हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करेंगे क्योंकि इनको एक साल के अंदर अंदर अचीव नहीं किया जा सकता इट विल टेक टू टू बी कंप्लीटेड मोर देन वन ईयर इसी वजह इनको हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करते हैं देट इज क्लियर इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट गो ऑन फॉर एवर वाइल दे टेक मोर टाइम देन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक एंड टाइम वॉन्ट तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ही डिसाइड करते रहो तो ये फॉर एवर प्रोसेस नहीं होती है ंस यू आर डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यू आर ब्रेकिंग दॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से ही ड्राइव किए जाते हैं सपोर्टिव होते हैं बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है यह बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं इन कंपेरिजन टू द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो इसी वजह से ऐसा नहीं कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स को ही फोकस करते रहते हो आपने एक बार लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर दिया उसके बाद आप इनको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में ब्रेक करते हो और इनको अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ाते रहते हो लेकिन आपको खासतौर से यह ध्यान रखना होगा कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉर्म के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए ये दो प्रॉपर्टी तो मस्ट हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टेक्टिकल वर्सज स्ट्रेटिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टैक्टिकल और क्या होते हैं स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव पहले बात करते हैं टैक्टिकल या फिर इन्हें हम ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिवस का भी नाम देते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव दैट आर मेनली डिपार्टमेंटलाइज्ड और आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव सच एज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एच आर ऑब्जेक्टिवस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड सो ऑन आर नोन एज टैक्टिकल और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो ये जो टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव हैं ये वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको डिपार्टमेंट बेसिस पर डिसाइड किया जाता है या फिर वो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होते हैं जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एच आर ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें जो ऑब्जेक्टिव्स फॉलो किए जाते हैं डिजाइन किए जाते हैं इनको हम टेक्टिकल या फिर ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन मोर सेल्स मोर प्रॉफिट कॉस्ट मोर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर ऑब्जेक्टिव को सेट करती है तो ये ऑब्जेक्टिव टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे ठीक है अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव आर लॉन्ग टर्म प्लान दैट यूजली अफेक्ट द एंटायर बिजनेस ग्रोथ इमेज एंड रेपुटेशन एंड मार्केट शेयर यानी के जो स्ट्रेटेजिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट से कनेक्टेड होते हैं ये वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जिसका अफेक्ट कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पर होता है ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसकी बिजनेस ग्रोथ उसकी इमेज और रेपुटेशन और मार्केट शेयर से रिलेटेड होते हैं और मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा इन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है जब जा हम रियलिटी या रियल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो बिजनेसेस के पास सेवरल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो सेम टाइम पर फॉलो किए जा रहे होते हैं तो कौन मिला के स्ट्रेटिक ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं क्लियर And the last one is the primary objectives versus secondary objectives. are primary objectives or secondary objectives primary objectives की. primary objectives are the objectives for which a company has been started. Every business aims to earn more and more profits out of its working. Primary objectives are related to the organization as a whole and not to individuals. Earning of profits out of providing. गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से कंपनी को स्टार्ट किया गया है तो जिस पर्टिकुलर पर्पस या जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया है या उसको स्टार्ट किया गया है उन्हें हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं हर बिजनेस का मेन पर्पज क्या होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रोफिट्स आउट ऑफ इट्स वर्किंग यानी कि जिस वर्किंग को भी वो फॉलो कर रही है उसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना ये हर बेसिस का मेन पर्पज होता है तो ये एक तरीके का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीटली यानी कि एज अ होल रिलेटेड होते हैं न कि इंडिविजुअल बेसिस पर इनको डिफाइन किया जा सकता है होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है कि कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है और इन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के रेफरेंस में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है तो ये कंपनी का क्या हो गया ये कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाएगा क्लियर अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हेल्प इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड एंड एफर्ट्स आर मेड to increase efficiency and economy in the performance of work secondary objectives like primary objectives are impersonal in nature yani ki secondary objectives kya hote hain primary objectives ko achieve karne mein jo apna ek supporting role play karte hain उन objectives को हम secondary objectives में consider करते हैं ठीक है सबसे पहले तो targets को identify किया जाता है और फिर इन targets को achieve करने के point of view से एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में इकोनॉमी को फोकस किया जाता है जिससे कि इन टारगेट्स को कम से कम कॉस्ट में आसानी से अचीव किया जा सके यानी कुल मिला वो ऑब्जेक्टिव्स जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड किए जाते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं ये इम्पर्सनल होते हैं ऐसे ही सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी नेचर में इम्पर्सनल होते हैं एक एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं समझ सकते हैं मान लीजिए कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि कंपनी डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके अपने प्रॉफिट को अर्न करने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है अब इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अगर इसे अचीव करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा इसे रेगुलर इंटरवल्स पर मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा तो जो नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो प्लान डेवलप किए जा रहे हैं उसको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया प्रॉफिट को अर्न करना और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी एक रेगुलर इंटरवल पर मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहती है तो इस तरीके से सेकेंडरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करते हैं दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ कम टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव वर्स सोशल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं दीज आर दबजेक्टिव विच इंडिविजुअल मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू अचीव ऑन डेली वीकली मंथली और ईयरली बेसिस दीज ऑब्जेक्टिव आर अचीवेबल एज सबिनेट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यानी कि जब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टि की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स को जो ऑब्जेक्टिवस कंप्लीट करने के लिए असाइन किए जाते हैं उन्हें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में कंसिडर किया जाता है और इंडिविजुअल मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में इसे डेली वीकली मंथली या ईयर यायरली बेसिस पर अचीव करते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के सबॉर्डिनेट होते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है उनके जो सबॉर्डिनेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं उन्हें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में कंसिडर करते हैं अब जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो या तो इकोनॉमिक होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पर बेस्ड होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के रिसोर्सिस को यूज करते हुए अचीव करना चाहते हैं रिसोर्सेस जैसे कि टाइम स्किल और एफर्ट्स इनको यूज करते हुए इंडिविजुअल पर्सन इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगातार अपने एफर्ट्स करते रहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव क्यों करते हैं क्योंकि ये जो इंडिविजुअल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी नीड्स एंड डिजायर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और इनको सेटिस्फाई करने के लिए ही इनके द्वारा इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को लगातार अचीव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए के द्वारा इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी रन किए जाते हैं जैसे कि वो एम्प्लॉइज को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बेसिस पर मोटिवेट कर सके ठीक है नाउ वी कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स 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 सोशल आर द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फुलफिल किए जाने होते हैं अचीव किए जाने होते हैं उन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करते हैं इसमें हम ऑब्लिगेशंस को इंक्लूड करते हैं

फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है तो इन्हें भी हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं जब हम बात करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशंस की तो सोशल में किसी भी पर्टिकुलर या ऑर्गेनाइजेशन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इस टाइप के गुड्स और सर्विसेस को प्रोड्यूस करना चाहिए जो कंज्यूमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हो और उसके साथ एक पॉइंट और ख्याल रखना होता है इसे कि उसको अपने गुड्स एंड सर्विसेज इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि जो लोगों की हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसको भी प्रॉपरली फोकस किया जा सके तो हेल्थ रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना वो भी सोसाइटी की ये एक बिजनेस कंसर्न की मोस्ट सोशल ऑब्लिगेशन में इंक्लूड की जाती है इसके साथ साथ जो बिजनेस हैं इन्हें कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट part को स्पेंड किया जाना जरूरी है जैसे हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो कोरोना का टाइम चल रहा है बिल्कुल ना और इस कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है गवर्नमेंट को कोरोना से फाइट करने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी है जैसे आपने सुना होगा टाटा या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या और भी बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने क्या कर करा है जिन्होंने अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पार्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है फॉर द पर्पज ऑफ फाइटिंग विद कोरोना डिसीज ओके सो दीज ऑल आर नोन एज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके थैंक यू